नमस्कार। तो आजकल भाई न्यूज चैनल को देखकर न्यूज ना मिल पाती हो चाहे, पर देखकर हंसी जबरदस्त आती है भाई। इस वक्त हम बात करेंगे एक नया नया चैनल है इंडिया डेली करके, अभी अभी कुछ समय पहले लॉन्च हुआ है भाई, तो टीआरपी लिस्ट में भी इतना कुछ ग्रो नहीं कर पाता। इस चैनल का जो है एक रिपोर्टर होता है, आपको पता होगा ईडी जो है तेजस्वी यादव से आज सवाल पूछेगी, जिसके कारण भाई जो है मीडिया कर्मी वहां पर मौजूद थे, तेजस्वी यादव पहुंचने वाले थे, जिसके बाद ईडी उनसे सवाल पूछती। तो वहां पर एक रिपोर्टर जा रहा होता है, रिपोर्टर पहुंच नहीं भी नहीं पाता, इतने में एंकर के कॉल आती है कि हाँ सुनो आप जल्दी से वहां पर पहुंचो, जल्दी आप पहुंच गए ना, आप एकदम से एक काम करो, आप खबर एकदम लाइव आ जाओ। इस तरीके से भाई हड़बड़ाहट में शायद उसको कह देता है कि आप लाइव आ जाओ। और तो और भाई जो रिपोर्टर होता है इस समय बीच रोड पर होता है, तो बीच रोड पर ही लाइव आ जाता है, जिसके बाद भाई एंकर कहता है, एंकर तो अपने न्यूज रूम में बैठा होता है, फिर रिपोर्टर का नाम लेके कहता है तो इस वक्त आप बताइए तेजस्वी यादव कैसे हैं, मतलब किस जगह पर पहुंच गए हैं। जिसके बाद भाई रिपोर्टर कहता है आपने मुझे पहुंचने दिया होता तब पहुंचता ना। रिपोर्टर एकदम भनभनाया सा होता है, एकदम गुस्से में होता है, कहता है कि आपने मुझे वहां पर पहुंचने दिया होता तभी तो मैं आपको खबर बताता, मैं इस समय बीच रोड पे खड़ा हूं और बीच रोड पे ही आपने मुझे लाइव में बुला लिया। तो हालांकि भाई उनपे एकदम से कॉल आई होगी रिपोर्टर की पे कि आपको एकदम से लाइव आना है, जिसके बाद भाई रिपोर्टर बीच रोड पर ही लाइव आ गया। एंकर को नहीं पता था कि रिपोर्टर इस समय बीच रोड पे खड़ा है, जिसके बाद भाई रिपोर्टर पूरी तरीके से भुनभुनाया होता है। अब कुल मिलाकर रिपोर्टर कहता है कि अगर आप थोड़ी देर बाद और मुझे लाइव में लेते तो मैं वहां पर पहुंच चुका होता, इस समय जितनी आपको जानकारी है। एंकर से कहता है रिपोर्टर जितनी इस समय आपको जानकारी है उतनी ही मुझे जानकारी है, मुझे उससे कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है, जो आप बता रहे हैं वही मुझे पता चल रहा है, मैं वहां पर पहुंचा ही नहीं हूं अभी। ऐसी भी क्या जल्दी थी बेचारे रिपोर्टर को, कम से कम उसकी प्लेस पे पहुंचने तो दे दे, जिसके बाद वो रिपोर्टिंग करता बीच रोड पर ही उसे लाइव में बुला लिया और उसका गुस्सा भाई साफ लाइव में दिख भी गया। हालांकि इस पूरे मामले के बारे में आप क्या कह रहे हैं, अपनी राय हमारे साथ कमेंट के माध्यम से जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।